खबर राजधानी देहरादून से है, जहां धामी सरकार ने शुक्रवार को समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी पर अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी है। बता दें कि इस रिपोर्ट को सरकार के पोर्टल पर अपलोड किया गया है। वहीं अब इस रिपोर्ट को मंजूरी के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास भेजा जाएगा। वहीं राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद यह कानून बन जाएगा। ऐसा बताया जा रहा है कि उत्तराखंड सरकार आगामी अक्टूबर से राज्य में इस कानून को लागू कर देगी। आप सबको पता है कि समान नागरिक संहिता के संबंध में माननीय न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में जो विशेषज्ञ समिति गठित की गई थी, उस समिति ने अपनी रिपोर्ट माह फरवरी 2024 में उत्तराखंड सरकार को सौंपी थी। वो रिपोर्ट चार खंडों में थी, जिसमें खंड दो और खंड चार ड्राफ्ट कोड के अंग्रेजी और हिंदी कॉपीज थे। खंड एक और खंड तीन रिपोर्ट्स थी, यूं मान लीजिए कि जो कोड बनाया गया उसके पीछे क्या सोच थी, इन चीज़ों का अध्ययन किया गया, उनका उल्लेख खंड एक में था, जैसे आप आम बोलचाल की भाषा में थ्योरी कर सकते हैं। और खंड तीन में जो फील्ड विजिट्स की गई थी, उस दौरान समिति को क्या बताया गया, लोगों के फीडबैक किस प्रकार के आए, उसका उल्लेख और उसका एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करने की कोशिश की गई। खंड दो और खंड चार पर कार्य प्रारंभ किया गया राज्य सरकार द्वारा, और जैसा कि आप जानते हैं कि संहिता अब नोटिफाई की जा चुकी है। ऐसा करते करते ठीक लोकसभा के चुनाव के पहले का समय आ गया, और जो कमिटी के जो रिपोर्ट थी, जो चार खंडों में थी, जिसमें दो ड्राफ्ट कोड थे और जैसे दो मैंने रिपोर्ट्स बताए, ये आम जनता के साथ साझा नहीं किया जा सका क्योंकि आचार संहिता लागू हुई। अब आचार संहिता समाप्त हो चुकी है। राज्य सरकार की ओर से इस बीच में नियमावली बनाने के संबंध में एक समिति गठित की गई, जिसके सदस्यगण आप मंच पर आप देख रहे हैं, मेरे ख्याल से सभी को आप जानते होंगे, नहीं जानते हो तो मैं परिचय करा सकता हूँ, वैसे ही मेरा ख्याल आप सभी लोगों को जानते हैं। नियमावली समिति को राज्य सरकार ने यह आदेश दिया कि अब आप जो चार खंडों में रिपोर्ट थी उसको पब्लिक के साथ साझा कर लीजिए। आज का जो आयोजन है ये उसका एक औपचारिक रूप से आपके माध्यम से जनता तक हम ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि अब वो चार खंडों में रिपोर्ट और जो हमने एक्ट बनाया, जो संहिता बनी, उसके दो खंडों में हिंदी और अंग्रेजी रूपांतरण, ये सभी चीज़ें हमारी वेबसाइट है इस पे आज हम अपलोड करेंगे, जो कि सभी की जानकारी के लिए उपलब्ध होगा। वो वेबसाइट है www.ucc.uk.gov.in। इस वेबसाइट पर आज यह रिपोर्ट अपलोड होगी और इस कार्यक्रम के बाद आप सभी लोग उस पर जाकर पूरी रिपोर्ट पढ़ सकते हैं।